तो अभी मैं आ गया हूँ एक्चुअली सेंट सोफिया कैथेड्रल। बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि मतलब कि यहाँ पे जो क्यू है ना, एक है सेंट सोफिया कैथेड्रल और एक है पेसस क्लावरा, वो दो एक्चुअली में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। तो अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने मतलब ऐसे ही तो कुछ दे नहीं दिया होगा कि भाई ये साइड वर्ल्ड हेरिटेज है, सो बेटर यू शुड चेक इट आउट। और दिखाता हूँ आपको, पहुँच गए हूँ। तो ये यहाँ पे लिखा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज और इसकी एक प्रतिकृति बनाई हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और ये जो सेंट सोफिया कैथेड्रल है मेरे पीछे, उसके सामने वो है सेंट माइकल्स गोल्डन डोम मोनेस्ट्री, मतलब कि वो एग्जैक्टली मतलब सामने सामने ही है। तो भाई ये जो है यहाँ का प्राइसिंग, कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं। मैंने सिर्फ खाली एंट्री टिकट ही ली है, देखते हैं कि अभी एंट्री टिकट में क्या है। तो भाई ये जो टिकट है ये कुछ ऐसी है, 25 ग्रीविया की, मतलब कि 67 रुपीज़ के अराउंड हुए अपने इंडियंस के हिसाब से। और भाई ये है एक्चुअल में सेंट सोफिया, ये जो बाहर से दिखता है वो उसका गेट ही था एक्चुअली, पर एक्चुअल सेंट सोफिया कैथेड्रल बाहर से ऐसा दिखता है। और मैंने जस्ट वॉक अराउंड का टिकट लिया है, कि मतलब कि मैं सिर्फ आजू बाजू में घूमूंगा, थोड़ा शूट करूंगा। और अगर आपको बेल टावर पे जाना है तो वहां से पूरे सिटी का व्यू आता है, तो आप बेल टावर की जो टिकट है वो है 60 ग्रीव, तो आपको अगर वो इंटरेस्ट है तो वो भी ले सकते हो, बट मैंने अभी ली नहीं है। बट देखता हूँ, अगर बाद में मुझे लगा तो मैं वापस आके बेल टावर की टिकट ले लूँगा और जाऊँगा ऊपर। तो ये जो है वो गेट, इसके ऊपर इधर है बेल टावर है, ये ऊपर सबसे ऊपर जा रहा है, और ये रहा कैथेड्रल। तो गाइज ये जो सेंट सोफिया जो है वो एक्चुअली में ना लाइट वर्जन है हेगिया सोफिया, जो कि इस्तांबुल तुर्की में है। वो एक्चुअली बोला जाता है कि वो प्रो वर्जन है और ये है वो है लाइट वर्जन। लाइट वाला भी मतलब बहुत ही ऑसम है, तो मतलब कि प्रो देखने के लिए भी हमें फ्यूचर में जाना पड़ेगा इस्तांबुल हेगिया सोफिया। यह सो आप जा सकते हो। तो भाई एक जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे जो मैंने गार्डन में देखी है वो देखो, ये मतलब कि शावर है समर में, मतलब आप थोड़ी देर के लिए इसके नीचे खड़े रहो और आप मस्त ठंडे हो जाओगे। सो दिस इज़ समथिंग यू नो डिफरेंट ये देखने को मिला है हमें यहाँ पे। तो गाइस सेंट सोफिया आज मैं जाया था, पर वहाँ पे बेल टावर और अंदर मतलब कि चर्च के अंदर मैं नहीं गया था, क्योंकि अभी अंदर जाने का मतलब नहीं, मतलब क्योंकि उन लोगों ने क्या चार्जेस रखे हुए थे कि भाई आपको चर्च में जाना है तो भी, मतलब कैथेड्रल में जाना है तो भी चार्जेस है, और बेल टावर में जाना है तो भी चार्जेस है। और वो भी मतलब कि कुछ छोटे मोटे 10-20 रुपये जैसे नहीं थे, वो करीबन 200-250 रुपये थे, जो आपने देखा ही होगा वीडियो में, मैंने प्राइस लिस्ट दिखाया था। तो ऐसा ही कि मैं नहीं गया था, और उसके बाद मैं आ गया था, और उसके बाद मैं गया था यहाँ पे मतलब कुछ लोकल से मिलने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली उनका मैं मतलब वीडियो नहीं बना सका, बिकॉज वो लोग थोड़े अनकंफर्टेबल थे वीडियो बनाने से। बट या उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुझे कही और बताई कि जो मतलब कि हैरान करने वाली थी। और अभी मैं आपको ना थोड़ी यूक्रेन और पर्टिकुलरली क्यू के बारे में चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि जो जनरल थिंग्स है वो आपको पता होनी चाहिए कि आप क्यू में अगर आते हो तो क्यू सिटी जो है एक्चुअली वो ना हिल्स पे बना हुआ है। कि जो कीव जो सिटी है यहाँ का, वो यूरोप का बिगेस्ट यू नो ग्रीन सिटी है, तो मतलब सबसे ज़्यादा ग्रीनरी
यूरोप में क्यू में है कि आपको ना थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ना ऐसे पार्क देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे बहुत ही हरा भरा रहता है और यहाँ की कंट्री साइड भी बहुत ब्यूटीफुल है। वो भी आप लोगों ने देखी होगी, मेरे मतलब कि जो मैंने ट्रेन ली थी क्यू से लिव्यू के लिए और जो मैं बस में आया था ओडिशा से क्यू की तरफ, तो दोनों में आपने देखा होगा कि वो कंट्री साइड भी बहुत मस्त है। तीसरी चीज़ कि आप करेंसी एक्सचेंज का ऐसा है कि ना आप US डॉलर या फिर पाउंड लेके आइए यहाँ पे और बाकी मनी ना आप एक्सचेंज करा लीजिए। जो आप मैं रिकमेंड करूँगा कि DCB बैंक का कार्ड आता है नियो कार्ड, तो वो ले लीजिए। उसमें क्या है कि ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं लगता है और यहाँ पे ट्रांजेक्शन मतलब कि पैसे निकालने के लिए वो DCB बैंक के कार्ड से आपको जाना होगा OTP बैंक में। OTP बैंक करके एक बैंक है जिसका वीडियो भी मैंने दिखा था, मतलब पिछले वाले मेरे वीडियो में जो लिव्यू का वीडियो था जहाँ से मैंने पैसे निकाले थे, तो कि आप पैसे कैसे निकाल सकते हैं जिसमें कोई भी ट्रांजेक्शन मतलब चार्जेस नहीं लगता है। हाँ, US डॉलर यूरो दोनों चलता है यहाँ पे, बाकी तुर्किश भी चलता है यहाँ पे, तुर्किश करेंसी पर वो अपने को मतलब कोई मतलब नहीं है अपने लिए। बाकी इंडियन करेंसी यहाँ पे नहीं चलेगी, आप इंडियन करेंसी लेके आएंगे तो आप लोगों को कोई भी मतलब एक्सचेंज नहीं करेगा तो आपके पैसे वेस्ट जाएंगे, तो इंडियन करेंसी को आप लेके ही मत आइए, वो कोई काम की नहीं है यहाँ पे। दूसरी एक चीज़ कि आप लोग यहाँ आने का प्लान करते हो, यहाँ पे ट्रेन जो है वो सबसे इजी और कन्वीनियंट वे है, आप वो एडवांस में ही बुक कर लीजिए। बट ट्रेन का चक्कर क्या है कि अब हम इंडिया में से अगर बुक कराने जाएंगे ना तो उसकी एप्लीकेशन मतलब कि जो ये यूक्रेन एयरलाइंस की एप्लीकेशन है वो चलती नहीं है एक्चुअली, और उसकी जो वेबसाइट है वो भी नहीं चलती है अपने इंडिया से करने जाएंगे तो। सो मेरे से वो इंडिया में से ट्रांजेक्शन तो हुआ ही नहीं रेलवे बुकिंग का, और रेलवे भी बुक हो गई थी। सो बेटर कि आप थोड़ा एडवांस में ही प्लान कर दीजिए, और अगर आपका कोई फ्रेंड यहाँ पे रहता हो तो आप उसकी हेल्प लेके उसके कार्ड थ्रू बुक कर सकते हैं और आप उसको पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये भी एक वे है करने का बुकिंग। अदरवाइज़ आप यहाँ पे ट्रेन स्टेशन या फिर बस स्टेशन पे जाइए फिज़िकली यहाँ पे आके, और वहाँ पे जाके सीधा टिकट ले लीजिए। और यहाँ पे जो कन्वीनियंट तरीका है मतलब कि सिटी में घूमने का वो है कि मेट्रो, सबसे पहले तो मेट्रो, दूसरा है बस और तीसरा है ट्रेन, मतलब कि तीनों चीज़ें अवेलेबल है। बट खाली फ़र्क इतना है कि हाँ मेट्रो के लिए ऐसा है कि आप लोग वहाँ से स्टेशन से फिज़िकली टिकट भी ले सकते हो, या फिर आपका अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप उसको भी डायरेक्ट स्वाइप करके निकल सकते हो, मतलब कि पास हो सकते हो, अपना कार्ड लेते हैं ट्रांजेक्शन करते हैं और सीधा जो भी चार्जेस होगा कि मतलब कि 7 grivia या 8 grivia है वो आपके कार्ड में से डिडक्ट हो जाएंगे, आपको लाइन में खड़े रह के टिकट निकालने की ज़रूरत नहीं है। और क्यू में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना रूम ऐसी जगह पे ले मतलब कि करेशा टिक के पास, तो वहाँ पे क्या है कि आपको मेट्रो स्टेशन भी दो इंटरसेक्शन आते हैं वहाँ पे, तो वो भी मिल जाएंगे, तो आपको कोई भी मेट्रो स्टेशन में चढ़ना हो तो वो चढ़ सकते हो। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, तो आप मैं बोलता हूँ कि आप ना ऑफलाइन यूक्रेनियन और रशियन लैंग्वेज डाउनलोड कर दीजिए और ऑफलाइन सिटी का मैप भी डाउनलोड कर दीजिए। और यहाँ पे ऐसा है कि ना लोग जो पानी पीते हैं ना वो एक्चुअली दो तरह का होता है, एक जो पानी अपने यहाँ मतलब कि हर जगह मिलता है मतलब कि विदाउट गैस की मतलब कि वहाँ पे उसमें गैस नहीं होता, और दूसरा जो आता है कि विद गैस। तो आप कहीं पे भी जाए तो मतलब कि पानी की बोतल लेके उठा मत दीजिए, बट उन लोगों को पूछ लेना कि ये पानी में मतलब कि गैस है या विदाउट गैस है, क्योंकि मेरे साथ दूसरे दिन ऐसा हुआ, पहले दिन तो मैंने पानी उठा तो वो तो सही निकला, मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली में कि यहाँ पे गैस और नो गैस ऐसा पानी होता है। तो दूसरे दिन मैंने उठा लिया बोतल, फिर मैंने मतलब रूम पे जाके मैंने वो बॉटल खोली तो पता चला कि भाई इसमें तो गैस है, तो वो यहाँ पे एक स्ट्रेंज थिंग है। और मैंने पूछा लोगों को कि मतलब कि ऐसा क्यों मतलब कि गैस वाला, तो उन्होंने बोला कि इसमें थोड़ा हमें टेस्ट अच्छा लगता है, ज़्यादा सही लगता है ये, तो हम वो पीते हैं। कुछ लोग नॉर्मल पानी पीते हैं, कुछ लोग गैस वाला पीता है, तो वो आप लेने के लिए जाए तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। Straight from the top of my dome.